जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों पर की गई पुलिसिया कार्रवाई का काफी विरोध हो रहा है। जहां जामिया में छात्राओं तक को पीटे जाने की तस्वीरें सामने आई हैं, तो वहीं लाइब्रेरी के अंदर घुसकर कथित तौर पर छात्रों को पीटे जाने के गंभीर आरोपों पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके विरोध में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेता इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस का कहना है कि ये सरकार युवाओं और छात्रों के अधिकारों पर हमला कर रही है और इसी के विरोध में धरना किया जा रहा है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है कि जिस समय सरकार को छात्रों की बातें सुननी चाहिए, ऐसे समय वो कैंपसों में घुसकर छात्रों को बुरी तरह पीट रही है।